विभिन्न राज्यों से बुलाए गए राजपुरोहित भी जब उस आंधी तूफान को नहीं रोक पाए थे, तब और भी कुशल राजपुरोहितों को बुलाकर अनुष्ठान फिर से प्रारंभ कराए गए थे और इस बार परिणाम साफ दिखाई दे रहे थे। पूरे दिन भर चले अनुष्ठानों के बाद अंधेरा होते तक बुलाए गए पांच पुरोहितों ने जिस तरह की अलौकिक शक्तियों का संचय कर लिया था वो अद्भुत और भयानक था। वे पांचों पुरोहित अपने आप में भी देखने में बड़े विशिष्ट थे। उनकी वेशभूषा, उनकी सफेद दाढ़ी, सफेद जटाओं वाले बाल, उनके साथ रहने वाली सामग्रियां, उनके चलने और बात करने का ढंग, हर एक चीज अपने आप में विशिष्ट और रहस्यमय थी। जब ये लोग मायावी जंगल में अपने कदम बढ़ाकर चलने लगे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जंगल की जमीन कांपने लगी हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि काली शक्तियों को अपने वश में करने के लिए उन्होंने जिस तरह की साधना की थी वैसी साधना शायद ही किसी और ने की हो। राजमहल में किए गए अनुष्ठान के दौरान उन्होंने सिर्फ अपनी शक्तियों को जागृत किया था। सुबह होते ही एक बार फिर युवराज देवराज महाराज के कक्ष में गए और उन्होंने कहा, हमारे पिता महाराज से इस बात को कहने के लिए क्षमा चाहेंगे कि हमारे कहे अनुसार आपने क्लब्य को सेना नायक नियुक्त ना करके एक बहुत बड़ी भूल की थी, किंतु अब हम चाहते हैं कि इस भूल को और ना दोहराया जाए। हाँ युवराज, आप ठीक कहते हैं। हमें पहले क्लब्य के राज्य के प्रति समर्पित होने पर थोड़ा संदेह था, किंतु चाहे जो भी हो हमें उसकी ही तरह एक सेना नायक की इसी समय आवश्यकता है। अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए और हम आज ही एकलव्य को अपना सेना नायक नियुक्त कर देंगे। आप पूरी तरह सतर्क रहकर मायावी जंगल पर पुनः आक्रमण की तैयारी करें, महाराज ने अपने पुत्र देवराज से कहा। महाराज के कहे अनुसार देवराज महाराज के कक्ष से बाहर निकलकर सेना को तैयार करने में लग गए। पूरी तरह से जितने भी अनुष्ठान किए जाने थे वे संपन्न हो चुके थे। वीरानगढ़ की ओर से जिन अलौकिक शक्तियों की सेना का निर्माण किया गया था वो भी अब पिछले राजपुरोहित की शक्तियों से कोई कम नहीं थी। इस बार पूर्व राजपुरोहित की मृत्यु निश्चित थी। सुबह सुबह होते ही सेना को एक बार फिर से जंगल के लिए प्रस्थान करने की आज्ञा देने से पहले एकलव्य को सभा में आमंत्रित किया गया। संपूर्ण राज परिवार और विभिन्न राज्यों से आए राजाओं और पुरोहितों की उपस्थिति में महाराज ने एकलव्य को अपना सेना नायक नियुक्त कर दिया। महाराज के इस निर्णय से जहां प्रजा में बहुत से लोग हैरान थे, वहीं बहुत से लोगों में इस न्याय संगत निर्णय को लेकर उत्साह और प्रसन्नता भी थी। एकलव्य के व्यक्तिगत जीवन में वो जितने भी अनैतिक कार्य किया करता था अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उसकी बहादुरी और कुशलता का लोहा दूर दूर तक माना जाता था। महाराज के द्वारा सौंपी गई इस जिम्मेदारी को एकलव्य ने प्रसन्नता पूर्वक गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लिया था। पूर्व राजपुरोहित पहले ही राज्य का बहुत बुरा कर चुके थे और उन्हें आगे ऐसा करने का बिल्कुल भी अवसर नहीं दिया जा सकता था। यह तीसरी बार था जब वीरानगढ़ की ओर से मायावी जंगल में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जा रहा था। यह साफ तौर पर पूर्व राजपुरोहित और उनकी अलौकिक शक्तियों के विरुद्ध युद्ध था। प्रजा में अभी तक भी इस बात को लेकर संदेह था कि क्या राज परिवार की सेनाएं सचमुच पूर्व राजपुरोहित की शक्तियों का सामना कर पाएगी। लेकिन महाराज और अनेक विशिष्ट पांचों पुरोहित इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि आज उस राजपुरोहित का अंत निश्चित था। वे पांचों सेना नायक जंगल के अंदर एकलव्य से भी आगे चल रहे थे और उनके साथ ही उनके भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों की एक टोली भी चल रही थी। अगर दोनों ही तरफ से उन बुरी शक्तियों को अपने वश में करने पर कोई भी चूक हो जाती तो वही गलती उनके सर्वनाश का कारण बन गई होती। कई वर्षों के बाद यह पहला मौका था जब एकलव्य की मां दासी स्वप्न सुंदरी भी सचमुच हृदय की गहराइयों से प्रसन्न दिखाई दे रही थी। हालांकि
वो एकलव्य के पिछली रात किए गए कार्य से सचमुच खुश भी नहीं थी, लेकिन महाराज की तरफ से एकलव्य के पहली बार किए गए सम्मान को लेकर वो बहुत उत्साहित थी। एक माँ होने के नाते वो प्रसन्न में जरूर थी, लेकिन वो कभी ये नहीं चाहती थी कि वीरानगढ़ में कोई और ऐसा बच्चा जन्म ले जिसके निरपराध होते हुए भी उसे अपनी संतान कहने में उसके माता पिता को लज्जा आए। सेना मायावी जंगल तक पहुंच चुकी थी। ये पहली बार था कि वीरानगढ़ की सेना बिना किसी बाधा के जंगल में काफी अंदर तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में मिल रहे अजीबोगरीब जानवर, भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डायन, सभी का सामना वीरानगढ़ की तरफ से आए राजपुरोहितों की वैसे ही अलौकिक शक्तियां कर रही थी। भूतों के बीच चल रहे इस संग्राम को देखकर वहां मौजूद सभी इंसानों के हाथ पांव थर थर कांप रहे थे, लेकिन सैनिक धर्म निभाते हुए कई सैनिक एक बार फिर जंगल में दाखिल हो गए थे। इस बार फिर से राजपुरोहित ने कुछ ऐसा किया था जिसका पार आम इंसान नहीं पा सकते थे। जहां पूरा समतल रास्ता दिखाई दे रहा था, वहां एक ऐसी खतरनाक दलदल बनाई गई थी जिसके नीचे बेहद नुकीले लोहे के भाले बिछाए गए थे। दौड़ते भागते सैनिक जैसे उस प्राण घातक दलदल में अपने पांव रखते, अगले ही पल दर्द भरी चीख सुनाई देती और वे भाले उनके शरीर को भेद कर उनके शरीर के आर पार हो जाते। उनके मृत शरीर को वह दलदल निकल जाती। एकलव्य, जो कि उनका सेना नायक था, वो बड़ी ही कुशलता से अपने साथ सैनिकों की एक टुकड़ी को लेकर आगे बढ़ते जा रहा था। उसने जिस तरह से अपने साथ मौजूद सैनिकों को उस दलदल से भी बचाकर आगे बढ़ा दिया था, उसे देखकर युवराज और महाराज दोनों ही काफी प्रभावित हुए थे। एकलव्य के साथ बढ़ रही सेना के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए ही महाराज, युवराज और उनके साथ अन्य सैनिक भी आगे बढ़ने लगे। चारों तरफ चीख पुकार मारकाट मची हुई थी, लेकिन अगर बात इंसानों की जाती तो सिर्फ वीरानगढ़ के ही सैनिक मारे जा रहे थे। तलवारों और हथियारों के आपस में टकराने की आवाजों के साथ साथ भूतों, चुड़ैलों और पिशाचों की आवाज से जंगल गूंज रहा था। वे पूर्व राज पुरोहित जिस तरह की शक्तियों में महारत लिए हुए थे, उससे उन्हें इस बात का अभिमान हो गया था कि उनका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता था। लेकिन आज जिस तरह का युद्ध वहां पर हो रहा था, उसके बाद कुछ ही पल बाद पुरोहितों की वो टोली अपनी तंत्र शक्तियों के साथ उस गुफा तक पहुंच चुकी थी जहां से राज पुरोहित अपना षड्यंत्र रच रहे थे। आग की शक्तियों से संपन्न जिस भूत को राजमहल में एक पुरोहित ने अग्नि से तृप्त किया था, वो अब तक बहुत सी चुड़ैलों को मिटा चुका था। वो लगातार आग उगलते जा रहा था। उस पूरे रास्ते पर आगे बढ़ते हुए भी वो पांचों पुरोहित अपने हाथों में भस्म जैसी कोई चीज लिए हुए थे जिसका छिड़काव करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही उस पूर्व राज पुरोहित ने अपनी गुफा के द्वार पर चीख पुकार और विस्फोटों की आवाज सुनी, तो वे तुरंत गुस्से से तमतमाते हुए बाहर निकल आए। लेकिन वे पांच पुरोहित एक एक करके अपनी अदृश्य शक्तियों से उस राज पुरोहित पर टूट पड़े थे। कभी उन पर अदृश्य हथियारों से तो कभी थप्पड़, लातों और घूसों की बरसात। वे पूर्व राज पुरोहित देखते ही देखते खून की उल्टियां करने लगे। इससे पहले कि वे लोग राज पुरोहित को और भी ज्यादा क्षति पहुंचा पाते, कुछ ही पलों में उन पांचों को तीखे नुकीले तीरों ने धराशायी कर दिया। तड़पते हुए उन सभी के प्राण पखेड़ उड़ गए। जिस किसी ने भी इस घटना को देखा वो हैरान हो गया। वो पांचों पुरोहित जो पूर्व राज पुरोहित को मृत्यु शैया पर सुलाने आए थे, वे स्वयं ही मृत्यु का ग्रास बन चुके थे। उनके खत्म होते ही उनके तंत्र मंत्र से उत्पन्न सभी भूत प्रेत भी अगले ही पल गायब हो गए। तमाम बाधाओं को पार करते हुए जैसे ही महाराज और युवराज उस जगह पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उनके असंख्य सैनिकों की लाश पड़ी हुई थी। कुछ के ऊपर अभी भी पिशाच और चुड़ैल उनके खून पीते हुए दिखे जा सकते थे।
महाराज, युवराज और बाकी बचे सैनिक इतना भयानक दृश्य देखकर ऊपर से नीचे तक थर थर कांपने लगे थे। जो राज पुरोहित कुछ देर पहले तक घायल अवस्था में नीचे पड़े हुए थे, वे अचानक एकदम स्वस्थ होकर खड़े हो गए। एक बहुत ही भयानक हंसी की आवाज गूंजने लगी। राजपुरोहित, महाराज, युवराज उनके सैनिकों की दुर्दशा पर ठहाके लगाकर हंसने लगे थे। महाराज को तो राजपाट का इतना अभिमान हो चुका था कि उन्होंने मानवता को अपने कदमों के तले रौंद दिया था। महाराज, आपको ये बात तो अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि समय हर किसी को बलवान बनने का अवसर देता है। परिस्थितियां कभी भी राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। आप तो स्वयं को सर्वशक्तिमान और सर्व संपन्न समझ बैठे थे। आपको क्या लगता था कि आपके इस शक्ति प्रदर्शन से आप मुझे भयभीत कर सकते हो या मेरा अंत कर सकते हो? मैंने अपनी शक्तियों के दम पर पहले ही मृत्यु को काफी पीछे छोड़ दिया है। मैं तो एक सीधा साधा आम व्यक्ति था जिसे अपमान, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष की वजह से एक विद्रोही राजपुरोहित बनना पड़ा। मेरे तिरस्कार का मुझे कोई दुख नहीं। मुझे तो हमेशा से ही आपसे प्रतिशोध लेना था। मेरा केवल शरीर आपको दिखाई देता है। आप तो मेरी आत्मा को पहले ही मार चुके हो। मेरी बहन को आपकी वजह से आत्महत्या जैसा कायरता भरा कदम उठाना पड़ा। मैंने हर दिन अपनी उस लाडली बहन के हाथ पीले करने के सपने देखे थे। उसका धूमधाम से विवाह करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, लेकिन आपने मेरे सारे स्वप्न बिखेर दिए, पूर्व राज पुरोहित ने महाराज से कहा। महाराज को यह बात तो समझ आ गई थी कि उनका वहां से बचकर निकल पाना लगभग असंभव था, लेकिन एक योद्धा को इस तरह से पीठ दिखाकर भाग जाना शोभा नहीं देता। बहरहाल हालात पूरी तरह से उनके विपरीत थे। राजपुरोहित ने महाराज के किए गए वैसे ही एक अन अपराध से जन्मे एकलव्य का फायदा उठाकर महाराज को अच्छा पाठ पढ़ा दिया था। दासी से उत्पन्न पुत्र होने के बावजूद भी एकलव्य महाराज को हमेशा से बहुत प्रिय था। वो उसके अध्ययन, खान पान और प्रशिक्षण का पूरा प्रबंध करवा दिया करते थे, लेकिन आज उसी एकलव्य ने उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया था। महाराज, यह समय क्रोध करने या अपने विवेक को क्षीण होने देने का नहीं, बल्कि अपने प्राण बचाने का है। हमें तुरंत यहां से भाग निकलना होगा, युवराज देवराज ने अपने पिता से कहा। एकलव्य, जो अभी तक ये सब कुछ देख रहा था, उसने इस बीच किसी पर भी किसी तरह का आक्रमण नहीं किया। इस समय इस बात का अनुमान लगाना भी बहुत कठिनाई भरा था कि एकलव्य के दिमाग में चल क्या रहा था। महाराज के सारथी महाराज के रथ को तुरंत मोड़कर जंगल से बाहर निकालने के लिए अपने घोड़ों को दौड़ाने लगे। युवराज भी अपने रथ पर उस जंगल से बाहर निकलने का प्रयत्न करने लगे। एकलव्य अभी भी अपने घोड़े पर शांत खड़ा हुआ इस दृश्य को देख रहा था। वह गंभीर और किसी चिंतन में डूबा हुआ दिखाई दे रहा था। तो क्या एकलव्य भागते हुए महाराज और युवराज को मौत की नींद सुला देने वाला था? क्या राजपुरोहित महाराज और युवराज को मायावी जंगल से बाहर निकलने का अवसर दे देंगे? क्या उन दोनों में से किसी एक की मृत्यु होगी? क्या वे लोग आत्मसमर्पण कर देंगे? जानने के लिए सुनते रहिए